सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, आदिवासियों पर, साथ ही साथ मुसलमानों पर जो अत्याचार इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश केंद्र की सरकार कर रही है, मैं इसको इस सभा के माध्यम से उसकी निंदा करता हूं। साथियों, आप जगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। निश्चित रूप से जब जब भी इस तरह की प्रताड़नाएं की जाते हैं, जगना चाहिए हमें। मणिपुर में जो घटना हुई पूरे देश को हिला दिया है, और एक सिर्फ आदिवासियों को नहीं, अन्य समाज को भी, जो सेकुलर सोच के लोग हैं उनकी भी आत्माएं हिल चुकी है। ये क्या हो रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूं, याद दिला देना चाहता हूं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय एक घटना घटी थी, आप लोग देखे होंगे। हमारे अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला थी, बिल्किस बानो, उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, देश के एक एक जन जन को हिला दिया था। ठीक उसी प्रकार आज मणिपुर की घटना जो है, आज एक एक की आत्मा को हिला दिया। साथियों, ये मानव श्रृंखला आज ये शुरुआत है, आज यहीं तक अंत नहीं है, हमको आगे भी बढ़ना होगा। और एक बात मैं बता देना चाहूं, चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें सजग होना होगा। जिस प्रकार का ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, जिस प्रकार की अनेकों प्रकार की सोच सोच करके एक एक संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कभी कुछ योजनाएं लाकर, कभी कुछ योजनाएं लाकर के, ये सिर्फ मुसलमान एक टारगेट, एक दिखावा शुरू से है। लेकिन मैं हर जगह, मैं अपने कोलेबीरा विधानसभा और सिमडेगा जिला में जगह जगह जाकर मैं कहता हूं कि हमको तो इतना हथौड़ा लगा है कि ये सर जो है अब सहने की शक्ति हो गई है। लेकिन याद रखो आदिवासी भाइयों, क्रिश्चियन भाइयों, आप संभल जाओ, आपके ऊपर जब हथौड़ा पड़ेगा तो आप जिस तरह से पैसा होता है सिक्का, उस तरह से सिमट जाओ। ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ये सोच रखती है कि इनको समाप्त करो, अल्पसंख्यकों को समाप्त करो। ये हिंदू राष्ट्रिक दिखावा, मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं इस सभा के माध्यम से, आप भी समझ जाओ, ये शूद्र की बात करता है। ये मत समझना कि शूद्र सिर्फ आदिवासी है, ये मत समझना, शूद्र अल्पसंख्यक वैश्य समाज भी है, शूद्र जो हरिजन समाज भी है वो भी शूद्र है, उनको भी वो देखना नहीं चाहते हैं। ये लाना चाहते हैं, जो संविधान बना है मनुस्मृति कानून को ये लागू करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, मैं आगाह करना चाहता हूं कि 2024 में संभल जाओ, आपके बीच उन्हीं के बनाए हुए लोग आपके बीच, आपका भाई बन करके आएगा, उस बहकावे में मत आना। मैं ये संदेश देना चाहता हूं इस सभा के माध्यम